राम लक्ष्मण लीला के कृष्ण बलराम और कलियुग के एक ही है तो बलराम बड़े भाई हुए तो वाल्मीकि मुनि ने अपने आश्रम में जैसे ही प्रेरणा और शक्ति प्रदान किए थे ब्रह्मा तो रामायण की रचना किए ये रस भरा रस रसीला ग्रंथ है ये इसमें कई सारे रस है इसीलिए इसको ऐसे महाकाव्य भी कहते कई सारे रस है करुणा रस है अद्भुत रस है वीर रस है हास्य रस है जितने अधिक रस उतना ही काव्य या वांग्मय महान बनता है तो रामायण महान भी है और वैसे सभी काव्यों में या ग्रंथों में अति प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो रामायण ही है जय श्री, श्री राम और ये रामायण वैसे रामायण राम ही है राम राम रामेती राम मधुरम अक्षरम मधुरम ऐसा कविता शाखा कविता शाखा वाल्मीकि कोकिल की तुलना कोकिल कु बसंत ऋतु भी है ना तो उनका जो गान है बड़ा मधुर है तो अपनी ही रामायण मानव एक एक वृक्ष है ये कविता रूपी वृक्ष है उसी की शाखा पर बैठकर इस कोकिल वाल्मीकि ने अक्षरम मधुर एक एक, एक 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 अक्षर रामायण का मधुर है और राम से भरपूर है और ये रामायण हमारे देश की या भारतवर्ष की एक संपत्ति है वेल्थ है प्रभुपाद ने जिसको कहा था अरे आप क्यों हो स्वामी जी आप क्यों आए हमारे देश इंग्लैंड में पूछा था तो प्रभु जी कहे थे प्रभुपाद कहे थे कि आप नहीं तो वो बात अलग है वैसे लेकिन हाँ तो आप भी हमारे देश आए और हमारे देश की कोई विशेष जिसको आपने संपत्ति या मूल्यवान वस्तुएं समझे आप ये अंग्रेज हो उनको तो आप लूट के ले गए लेकिन हमारे देश की जो असली रियल वेल्थ जो है उसको न तो आप पहचाने न तो उसको फिर चोरी या उसको लूटे नहीं आप तो उस संपत्ति को देने में आया हूं मैं आपको रामायण देने आया हूं या महाभारत देने आया हूं गीता भागवत देने आया हूं तो श्रील प्रभुपाद भी समझे अरे अरे रामायण महाभारत ये ग्रंथ हमारे देश की संपत्ति है द वेल्थ। दिस वाल्मीकि मुनि जब इस ग्रंथ की रचना का कार्य पूरा किए तो सोच रहे थे कि रचना तो मैंने की लेकिन इस ग्रंथ का रामायण का प्रचार प्रसार कौ, कौ, कौन करेगा ऐसा भी सोच ही रहे थे तो कम आय सर क्या हम आ सकते हैं तो द्वा, द्वार पर थे दो सुकुमार लव और कुश तो उन दिनों में वे भी वहां रहते थे सीता ने वैसे लव और कुश को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ही जन्म दिया था और सीता के अलावा वैसे वाल्मीकि भी लालन पालन कर रहे थे लव और कुश का तो जब उनको द्वार पर देखा तो वह वाल्मीकि समा रामायण का प्रचार ये लव और ये कुश करेगा वैसी बात है जब देव भी भागवत की रचना किए साम्य है वहां पर भी वाल्मीकि के गुरु महाराज नारद मुनि हैं तो व्यास देव के भी गुरु कौन है आरत मुनि ही है तो व्यास देव को भी समझाए बुझाए थे भागवत के संबंध में या भागवत का महात्म्य और फिर इसके उपरांत श्रील व्यास देव भागवत की रचना किए तो वे भी सोच रहे थे भागवत का प्रचार कौन करेगा मैं तो लेखक हूं लेकिन वक्ता कौन बनेगा तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया वैसे भागवत पढ़ाया सिखाया समझाया और सुखदेव गोस्वामी को तैयार किया और सर्वप्रथम भागवत की कथा करने वाले शुक्र मुनि ही हो गए शुक्र के में हुआ तो, तो यहाँ पर रामायण की रचना करने वाले तो वाल्मीकि मुनि थे तो वे जब सोच रहे थे कि इसको पढ़ाएगा कौन इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा तो आ गए लव और कुश तो उनको ट्रेंड किया और फटाफट वैसे तैयार हो गए ट्रेंड हो गए और वीणा बजाते हुए अरे अरे सोते हुए नहीं जगते हुए तू तो गंधर्व तत्वज्ञो गंधर्व तत्वज्ञ गंधर्व गायक होते हैं गंधर्व गायक होते हैं तो ये लव और कुश गंधर्व जैसे गायक थे गायन की कला में निपुण थे भ्रातरो स्वर संपन्न और स्वर लय बद्ध छंद बद्ध से रामायण तो छंद बद्ध है ही उसका तो हुआ लय बद्ध उसका गायन करना वे सीखे या सिखाए गुरु महाराज वाल्मीकि मुनि तो फिर अब लव और कुश रामायण की संगीत माय हाँ? संगीत माय कथा करने लगे तो, तो जहां पर भी उनकी कथा की अनाउंसमेंट आज यहां पर कथा होनी है और तो कथाकार कौन है लव और कुश कथा करेंगे तो वहां कई सारे ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित होते रामायण की कथा लव कुश के मुखारबिन से सुनने के लिए ये कथाकार जैसे कोई कोई कथाकार कम उम्र वाले तो उसका बाल व्यास कहते बाल बाल व्यास तो ये बालक थे ही ये बालक लव और कुश की कथा और वैसे बालक जब कथा करते हैं तो कथा और भी लोग पसंद करते हैं उसकी, उसकी सराहना होती है बालक होते हुए कथा कर रहा है गायन कर रहा है और इनकी कथा तो हुआ, अरे हरी कथा तो वाल्मीकि ने लिखी थी तो उसी कथा को खुबहब वो प्रस्तुत करते तो बड़ी संख्या में ऋषि मुनि एकत्रित हुआ करते थे और जब वे कथा को सुनते ध्यान पूर्वक सुनते कैसे सुनते ध्यान पूर्वक कथा को सुनते कानों से सुनकर हृदय तक पहुंचाते उस कथा को इकड़न तिकड़न जाई वारे नहीं पता मतलब समझते इकड़तिकड़ी हुआ रहे। नड़ी सोना रे नड़ी सोना सोनारे एक कान से अंदर कथा दूसरे कान से बाहर कथा वैसे एक कान से अंदर कथा को जाने भी नहीं देते क्योंकि ध्यान ही नहीं है सोए हैं या ध्यान ध्यान और कहीं पर है तो एक कान से भी प्रवेश नहीं करती है कथा जहाँ वही रह जाती है हा? श्रवण तो होता ही नहीं कथा जब होती है, तो उसको कहते श्रवण उत्सव कैसा उत्सव श्रवण उत्सव कानों के लिए उत्सव जैसे जगन्नाथपुरी में नेत्रोत्सव होता नेत्रोत्सव आंखों के लिए उत्सव भगवान के सौंदर्य का पान जब आंखें करती है तो वह आँखों के लिए उत्सव होता है वैसे जेवा उत्सव हम जानते हैं जब महाप्रसाद गोविंद आ फिर उत्सव ही उत्सव उसमें भी खीर है और क्या है? पनीर है तो फिर क्या कहना लेकिन ये जो वा, ऋषि मुनि बनों में जहाँ तहाँ कथा होती थी तो उनके लिए उत्साह हुआ करता था और होगा भी तो क्यों नहीं उनका अनुभव ऐसा रहता था कि यह, यह लव और खुश वैसे दिखने में भी वे राम जैसे दिखते थे या लिखा है वैसे बिंब प्रतिबिंब बिंब हाँ। का होता है प्रतिबिंब हाँ। तो ए, एक दूसरे जैसे मिलते जुलते रहते बिंब और प्रतिबिंब तो ये दोनों राम जैसे दिखते थे अब तक उसका किसी को पता नहीं था राम का कनेक्शन इलाउ कुश के साथ ये भी बात थी तो जब वे कथा सुनते लव खुश से कथा सुनते तो उनका अनुभव ये रहता था कि इस राम की लीला को प्रत्यक्ष दिखाते दर्शाते उनके ऑडियो का बन जाता वीडियो या कभी कभी है। राधा गोविंद महाराज भी कथा ऐसा कभी कमेंट लोग करते हैं वो जब कथा सुनाते है, लगता है कि जिस जिस कथा का वो वर्णन करते हैं मानो कथा वहा संपन्न हो रही है तो वह तो निश्चित ऐसा अनुभव ऋषि मुनियों का हुआ करता था जब वे लव कुछ से राम की कथा को सुनते और फिर कथा या जब कथा सुन रहे हैं तो रोमांच हो रहा है और आँखों से प्रेमांजन झुरित भक्ति विलोचन संत सद हृदय हुआ आँखों में आंसू है या कोई स्तब्ध हो रहे हैं या संभावना है कोई जमीन पर लोट रहे हैं कथा जब कृष्ण की राम की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की या चैतन्य महाप्रभु की कथा को जब हम सुनते हैं या ध्यान पूर्वक सुनते हैं यही तो है योग योगी तो यही तो जिस लिंक जीव का आत्मा का परमात्मा या भगवान के साथ मिलन ही कहो दर्शन कहो या चरण स्पर्श कहो या यथा संभव गले आलिंगन देना कहो तो कथा महोत्सव एक प्रकार से मिलनोत्सव मिलनोत्सव मिलन उत्सव कथा भगवान है राम की कथा श्री राम है अभिन्न राम और राम का नाम राम और राम के गुण राम और राम की लीला राम और राम का धाम ये राम ही है कसामला मोडूनी गेला सोडूनी गेला राम कैसे राम कैसे हमको अयोध्या में छोड़ के चले गए क्या न पड़े ना राम भी मज चैन न पड़े ना नहीं जीवासी आराम सिया गेला राम गे लार गेला एक ही बात है वह तो ये जो भाव है राम नहीं है या राम वन में गए हमको यही छोड़ के गए तो तो उस अवस्था में फिर राम की लीला तो सुनी जा सकती है और वैसे गोपियों ने गोपी गीत गाया वो तो खोई थी कहाँ है कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ मिलेंगे कृष्ण तो मिल नहीं रहे थे तब तक तो वह जमुना के तट पर गई और वह गोपी गीत का गान गोपियों ने प्रारंभ किया मतलब तो भगवान के लीलाओं का स्मरण करने लगी जब गोपिया तो क्या हुआ कृष्ण प्रकट हो गए इसे भी हम भगवान की लीला और भगवान में जो अभिन्नत्व है अभिन्नत्व अलग अलग नहीं है राम की लीला ही राम है या तो जहाँ लीला का श्रवण कीर्तन होता है वहाँ राम उपस्थित हो जाते हैं ऐसा यह प्रसिद्ध बात भी तो है ही मद भक्त गायंती तत्र क्या ए नारदा। जहां मेरी कथा का श्रवण कीर्तन होता है वहां मैं उपस्थित होता हूं वह तो इन सब ऋषि मुनियों का वैसे अपना अनुभव श्रवण कर रहे राम लीला का रामायण का लेकिन वो सारा दृश्य को देख सकते देख देखते थे राम को लीला खेलते हुए वाह 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 शाबाश बढ़िया कथा और सुनाते जाइए ऐसे ऐसे उद्गार भी हुआ करते थे तो इस कथा के अंत हाँ। में फिर लव और कुश को जाके उनके पास जाकर आलिंगन देते कि उनके बालों को सूंघते उनको अलग अलग भेंट दे देते इस बाल कथा कारों को कोई कमंडलू देता कोपीन ले लो मेरी ओर से कोपीन तुम्हारे लिए तो कोई फल देता कोई जनेऊ दे देता ऐसे ऐसे वर्णन है तो कथा करते करते यहाँ पर कथा वहाँ पर कथा वहाँ पर कथा वहाँ पर कथा ये लव और कुश पहुँच गए अयोध्या पहुँच गए और अब अयोध्या में कथा होने लगी राम 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 सीता राम 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 रामोध्यासी राम 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 दशरथ नंदन राम सीता मोहन राम ये जब कथा कथा मतलब गान ही करते थे ये सब रामायण का तो वह लोग एकत्रित हो जा हो जाते अभी अयोध्या के लोग एकत्रित हो रहे हैं तो जहाँ वे बैठे बैठकर कथा कर रहे तो लोग आके वहाँ बैठ जाते फिर लव और कुछ खड़े होते तो सभी खड़े होते लव कुछ आगे बढ़ते कथा करते हुए बिना कथा के तो वह रहते नहीं तो वह उनके पीछे पीछे जाते शोभा यात्रा जुलूस हो रहा अयोध्या में तो वह इस कथा का समाचार राम को पता चला ऐसे ऐसे दो सुकुमार बालक अयोध्या में कई दिनों से कथा कर रहे हैं तो राम ने, मैं भी सुनना चाहता हूं तो लव और कुश को दरबार में ले आए और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न फिर दशरथ भी कौशल्या भी और कौन कई कई भी सुमित्रा भी और कई सारे मंत्री महामंत्री और दरबार खचाखच भरा हुआ था तो वह लव और कुश को माइक्रोफोन दे दिए प्लीज कथा सुनाइए तो लव और कुश ने जब राम की कथा प्रारंभ की तो वह सारे श्रोता मंत्र मुग्ध हुए मंत्र मुग्धता भी एक कोई बात है या भाव है मोहित हुए आकर्षित हुए चित्त आकर्षक कथा तो कथा भी अभी प्रारंभ हो ही रही थी तो वह यह वर्णन आया है शुरुआत में तो आ, उस समय तो राम अपने सिंहासन पर बैठे थे तो उन्होंने इस बात को नोट किया मैं तो श्रोता हूँ और मेरा आसन वक्ताओं के आसन से ऊंचा आना नहीं है तो संभव नहीं ये उचित नहीं है तो वाह अच्छा तो ये सदाचार नहीं है ऐसा तो राम बड़े सावधानी से उठते हैं अपने आसन से उठ जाते हैं और बड़े सावधानी से ताकि कोई चहल पहल नहीं हो और उनका ध्यान आकृष्ट न हो ताकि सभी का ध्यान कथा पर केंद्रित बना रहे इस उद्देश्य से राम बड़े सावधानी से अपने आसन से नीचे उतरते हैं और ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहाँ लव और कुंश का स्थान ऊंचा है आसन ऊंचा है और वहां बैठकर श्री राम किसकी कथा सुन रहे है? अपनी कथा सुन रहे ये सुनते गए सुनते गए सुनते गए वैसे तो राम की रामायण की कथा नौ दिवस नौ दिवसों तक चलती रहती है भागवत कथा तो सात दिवस की होती है रामायण की कथा अधिकतर कथाकार नौ नौ दिनों तक करते हैं तो वो लोग कुछ सुनाते गए और वम तू नवित तृप्याम हम थके नहीं है सुनाते रहिए सुनाते रहिए सुनाते रहिए तो राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न उनकी कथा भी है केवल रामायण में केवल राम की नहीं लक्ष्मण की भी कथा है भारत की भी कथा है शत्रुघ्न की भी कथा है और दशरथ की भी कथा है सीता की भी कथा है तो वहाँ जो उपस्थित थे उन्हीं की उन्हीं की कथा वही लोग अपनी अपनी कथा सुन रहे हैं सभी कथा सुन रहे हैं अपनी की कथा भी सुन रहे हैं तो ऐसी है ऐसे है मधुर श्री राम और उतनी मधुर उनकी कथा भी है जय श्री राम।, राम राम नामी महोत्सव की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की your pramana and the